ये दोनों सुपुत्र आपके हैं? जी हाँ, आप ही के बच्चे। पेन प्लीज। थैंक यू। मौत और ग्राहक का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। और ये भी तो हो सकता है ना कि 9 बजे से पहले कोई बड़ा ग्राहक आ जाए। क्षमा करना, मैं यहाँ अपनी बेटी का सौदा करने नहीं बैठा। यदि आज मेरी जगह कोई और होता, वो जाता नहीं, ले जाया जाता। सच्ची बात तो ये है कि आपके पत्नी के निर्णय ने हम लोगों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। कितना इंतजार कराता है, अभी तक कॉल नहीं आया। बच्ची शादी हो जाने दो, फिर बताते हैं। प्रीति, तू यहां छुपी बैठी है। मुझे लगा पापा को लेने एयरपोर्ट गई होगी। वेरी सॉरी मॉम। मम्मी, जाफरी आर्चर लिखता ही ऐसा है कि लोग सब भूल जाते हैं। चल जल्दी तैयार हो जा, पापा को लेने एयरपोर्ट चलते हैं। चल। मम्मा, पैर बहुत दुख रहा है। सब समझ में आता है मुझे। मैंने रामू को बाजार भेजा है, घर का ध्यान रखना और दरवाजा बंद कर ले। आज तो बहुत नाराज होने वाली है। 8 बजे का बोला था, 10 बज गए यार। फोन लगाऊं कि नहीं लगाऊं? चलो लगाता हूं। अच्छा बच्चू, अब कॉल किया है, खूब पनिश करूंगी। इसे भी तो पता चले इंतजार का मतलब। हाँ यार, फोन कट गया यार, फिर से लगाऊं यार। Who is this silly guy? अरे अरे, मैं हूँ यार अमित। अच्छा आप हो, थैंक यू। बहुत जल्द कॉल करने के लिए थैंक्स अ लॉट। यार प्लीज 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 गुस्सा मत हो, मैं तुझे कमाल की बात बताता हूँ। बताओ। यार मम्मी ने जो हमारी शादी का कार्ड चुना है ना, वो कार्ड पूरे 300 रुपए का है। अच्छा, मेरे डैडी ने जो कार्ड सेलेक्ट किया है वो 500 रुपए का एक है। अरे यार सुन तो, मैंने हनीमून के लिए प्लान किया है, अरे हम शिमला चलेंगे। ओह, नॉट इन इंडिया, वी विल गो टू पेरिस। पेरिस? या We may go to Vancouver, Canada. यार पेरिस जरा महंगा है, पर चलेगा। Oh, thanks, my love. लगता है डैडी आ गए, थोड़ी देर बात बात करें। रंजना, तुम्हारी चॉइस का तो जवाब ही नहीं। सच में बहुत सुपर कार्ड है, ब्यूटीफुल। ये देखिए, एक्सेलेंट। सच पापा, लाइए मुझे भी बताइए। हाँ तुम भी देखो। वाओ, देखा, बुआ और मेरी चॉइस हमेशा से मिलती है। इसीलिए तो पत्नी भी तुझे बुआ जी की पसंद की मिली है। भाई साहब, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मगर मेरे बेटे के लिए, मेरे भतीजे के लिए। अरे तुम वहां क्यों खड़ी हो? देखो कितना सुंदर कार्ड है, इधर आओ। जी अभी आई। कितना सुंदर कार्ड चुना है बुआ जी ने, इतना सुंदर कि मैं तो इसकी सुंदरता में ही खो गई। दुकान में जो सबसे महंगा कार्ड था ना मामा जी, वही पसंद आया मेरी मम्मी को। जरा सोचिए पिताजी, कार्ड ऐसा है तो शादी कैसे होगी, बजट कहाँ तक जाएगा।
सुबोध, बजट ऊपर नीचे हो जाए कोई चिंता नहीं, मान मर्यादा में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मामा जी, शादी तो हम धूमधाम से ही करेंगे। चलो भाई जल्दी करो, बारात भी तो समय पर लगाना है ना। अभी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरे अमित की शादी इतनी धूमधाम से होगी। अपना अपना भाग्य है बुआ जी, प्रीति अपना ऐसा ही भाग्य लिखवा कर आई थी। दर्शना, तुम्हारी लहजे में बहुत कसक है, क्या बात है, यहां मेरे पास तो आ। कोई बात तो जरूर है, बोलना क्या बात है बुआ जी। हाँ, आपने अमित की बजाय सुबोध के लिए मुझे क्यों चुना? क्यों, क्या वो अच्छा इंसान नहीं है, क्या वो तेरा ध्यान नहीं रखता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर आप नहीं बताना चाहती कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तू मुझे बढ़िया से एक कप चाय पिला, मैं तेरे सवाल का जवाब देती हूँ। अभी पिलाती हूँ। आओ बैठो। अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, बहुत ही मेहनती और होनहार। गीत, संगीत, कविता, मन संचालन सभी में मैंने निपुणता हासिल की थी। मेरे इन्हीं गुणों की वजह से ना एक अच्छे मिडिल क्लास फैमिली में मेरा रिश्ता आसानी से तय हो गया। उस समय मेरे माँ बाबू जी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि दहेज दे पाते। शादी के बाद यहां मुझे एक संयुक्त परिवार मिला। मेरा टिफिन तैयार हो गया जी, अभी लाई। ये लीजिए। अरे बहू। जी पिताजी। कौन है? जी जी आई पिताजी। मुझे दवाई देना भी भूल गई, मेरी दवा खत्म हो गई है। जी पिताजी। मुझे बहुत तेज बुखार है, पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, तुम एक काम करो डॉक्टर के आ जाओ। जी पिताजी। और जल्दी से उनको मेरा हाल बता करके दवाई ले आओ। जी पिताजी। भाभी। जी भैया। मेरी पैंट प्रेस की क्या आपने? अरे कहाँ मर गई महारानी, जल्दी आओ। अरे सुनो पिताजी, अमित बहुत रो रहा है, उसे चुप करा के चले जाए। किसी को भी इस घर में मेरी फिक्र नहीं है, जो देखो अपने काम में लगा हुआ है। अरे उसको गोद में लिए लिए चली जाओगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। अरे कहाँ मर गई महारानी? जी मैंने टिफिन तो दे दिया था आपको। जी बड़ी मेहरबानी की आपने, हैं? और चाय कौन पिलाएगा, तेरा बाप?
क्या हुआ? हो गया बंटवारा। चलो अच्छा हुआ, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई? पिताजी जाने से पहले वकील के पास जाकर सारी लिखा पढ़ी पूरी कर गए थे, तो सब कुछ राजी खुशी निपट गया। हमें जो मिला है वो घर का छोटा हिस्सा, बाहर वाली दुकान और ये थोड़े से पैसे। ये जरा हिसाब किताब करो थोड़ा सा। जी लिखो। बोलूं? हाँ बोलिए। 1235 1235 1420 1420 1100 1100 1380 1735 1735 और 1189 1189 कितना हुआ? ये हो गए 8,059 ऐसे थोड़े छोटे छोटे हिसाबें जोड़ो। 40 40 70 70 देखा 60 60 छोटे छोटे हिसाब है ना। 30 30 कितना हो गया? 200 ठीक है। अरे वाह बहुत बढ़िया। सुनिए ना, आपसे एक बात पूछूं? अगर आप हाँ कह दो तो मैं अपने लिए एक हारमोनियम ले आऊं। यार इतना छोटा सा घर है, कहाँ रखोगी ये बाजा वाजा? मैं रख लूंगी। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो, बहुत हो गया नाच गाना। और ये कोई मिरासियों का घर नहीं है। मिरासियों का घर? सुनो एक मिनट, कैसी मरी सी दिखने लगी है? 35 की उम्र में 55 सी दिखने लगी हो तुम। मेरी दुकान पर तुमसे ज्यादा उम्र की औरतें आती हैं, कितनी साफ सुथरी और सलीकेदार। अरे तुम दिन भर अपना पल्लू लेकर पता नहीं क्या पहुंचती रहती है। अरे ढंग से रहा करो, कुछ खुश रहा करो, जरा बाजा बजा लेंगे। क्या है, है? सुनिए, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं एक नौकरी देख लूं, घर में तो पैसे आ जाएंगे। मैं दुकान बंद कर दूं? रोटी तो ठीक से बनती नहीं, नौकरी करेगी? जला दी। बेटा घर नहीं गया? जी भैया, मैं आपका ही वेट कर रहा था। समझ गया, तू फेल हो गया फिर से। हाँ भैया, और आपका क्या हुआ? नीचे से टॉप किया है। लेकिन भैया मम्मी से डर लग रहा है। सुन, फेस तो करना पड़ेगा, रोने ऐसा मुंह बना के चलते हैं। तुझे हंसी बहुत आती है, हंसना मत। चल मेरा मुंह क्या देख रहा है, चल बैग उठा। अगली बार जरूर पास होकर दिखाएंगे। हाँ मम्मी, अगली बार जरूर पास होकर दिखाएंगे।
बस दिखा चुके, हर बार यही होता है। मम्मी खाना तो ना, भूख लग रही है। बस माँ पर रौब जमाना आता, कुछ नहीं आता। क्या हुआ मेरे राजकुमारों? हुआ ये कि आपके दोनों राजकुमार इस बार भी फेल हो गए। फेल हो गए? अरे फेल हो गए तो क्या हुआ, साड़ियों की तह बनाना सीखने के लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता थोड़ी है। और रही रुपए गिनने की बात, तो वो तो मैंने सिखा ही दूंगा। और पापा स्कूल? आज से दुकान ही तुम्हारा स्कूल है। चलो आज बाहर खाने चलते हैं। That's great, पापा। चलो आज। हाँ भुजबल, टेंडर खुलेगा, तुम चले जाना लेने। हाँ, 1 करोड़ का ही तो है। नहीं, मुझे 1 दिन लगेगा, मैं रंजना के आया हूँ। रंजना कैसे हो भैया, सब कुशल मंगल है? सब ठीक है। और तुम बताओ, दुकान कैसी चल रही है? अरे बहुत बढ़िया चल रही है। जब से आपको अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे हैं ना, हमारी छोटी सी दुकान भी शोरूम में बदल गई है। सच भैया, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। रंजना, पिताजी के अंतिम क्षणों में उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। बस वो वचन ही निभा रहा हूं। और फिर तुम कोई गैर थोड़ी ना हो, मेरा अपना खून। जीजा जी की क्या हालचाल है? सब ठीक है। जब से हमारे हालात बदले हैं ना, इनका भी मेरे प्रति व्यवहार बहुत बदल गया है। अभी मुझसे कहते हैं, तुमने आजकल गाना तो क्या गुनगुनाना तक छोड़ दिया है। सच? जी, अभी कल ही कह रहे थे, तुम हारमोनियम ले लो और अपने संगीत का अभ्यास एक बार फिर से शुरू करो। सच में? पर सच बताऊं भैया, अब वो सब कुछ दोबारा शुरू करने की ना तो मुझ में शक्ति है और ना ही साहस है। मेरी सासी बहना के मुंह से ये शब्द बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। भैया आपके मन में मेरे लिए अपार स्नेह है। अरे भैया, मैं तो एक बात बताना ही भूल गई, जिसके लिए मैंने आपको बुलाया था। कौन सी बात? मैंने ना अमित के लिए एक लड़की देखी है। ओके। कल उसको देखने जाना है, आप भाभी से कह दीजिएगा। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। है ना? लड़की क्या करती है? भैया एमए फाइनल कर रही है। अच्छा, पढ़ती है, क्या नाम है? दर्शना। जब मैं तुम्हें देखने आई थी ना दर्शना, तब तुम्हारी छोटी सी साफ सुथरी बैठक देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया था। आप हर बात पर ध्यान देती हैं। तुम्हारे ढेर सारे पुरस्कार और तुम्हारी सदी हुई आवाज सुनकर ही मैंने तय कर लिया था कि तुम्हें एक ऐसी जगह पर पहुंचाना है जहां तुम्हारी प्रतिभा का सम्मान हो। मतलब आपके भैया के घर पे? मेरे मायके का माहौल ना बहुत अच्छा है। अपने अपने गुणों को निखारने का मौका वहां सबको दिया जाता है, फिर चाहे वो बेटियां हों या बहुएं। हाँ, किंतु एक मर्यादा के भीतर। मुझे मालूम था तुम्हारा गायन वहां पर एक गर्व की बात होगी। आप मेरे बारे में इतना सोचेंगी, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। यदि अमित के साथ तुम्हारी शादी हुई होती तो शायद वही सब कुछ तुम्हारे साथ भी होता जो मेरे साथ हुआ। ये मुझे मंजूर नहीं था। प्रीति को मैंने अमित के लिए सिर्फ इसलिए पसंद किया क्योंकि उसे अच्छा खाना, कपड़े, जेवर और घूमने फिरने का शौक है, जो अमित आसानी से पूरी करेगा। तुम्हारी खुशी तुम्हारी कला के निखार में है, जो सिर्फ सुबोध के साथ संभव है। खूब मन लगाकर रियाज करना और अपनी कला को खूब आगे बढ़ाना।